हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मशीन रिपेयरमैन मॉडल या हम जिसको कहते हैं फाइनाइट सोर्स ऑफ अराइवल्स क्विनिंग मॉडल और फाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन क्विनिंग मॉडल जिसकी कैंडल नोटेशन है एम एम एस एम जी डी ओके हमारे पास कैंडल नोटेशन है इस मॉडल की इस मॉडल में हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर्स मल्टीपल है ओके एंड फाइनाइट सोर्स ऑफ अराइवल मींस हमारे पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम में आ रहे हैं वो फाइनाइट है okay? उसकी वजह से हमारे पास जो क्यू है जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी फाइनाइट होगी ओके फ्रेंड्स मैंने क्वीनिंग थ्योरी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी है जहां से आपको कंप्लीट वीडियो क्वेनिंग थ्योरी पे मिल जाएंगी। नाउ प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मैथड्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल होंगे द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एन कस्टमर्स इन द सिस्टम हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एन कस्टमर सिस्टम में होंगे ओके नाउ इस मॉडल में हमने ये एज्यूम किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर्स मल्टीपल होंगे ओके तो इस केस में पी एन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम हमारे पास दो केसेस होंगे पहले केस में जब नंबर ऑफ कस्टमर्स जीरो से ज्यादा होंगे दैट इज एक या एक से ज्यादा होंगे एंड लेस देन नंबर ऑफ सर्वर्स उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर्स इन द सिस्टम क्या होगी एम फैक्टोरियल ओके कैपिटल एम हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स है ओके दैट इज मैक्सिमम सोर्स ऑफ अराइवल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, एन एम माइनस एन लैम इन टू पी जीरो पी जीरोज नो कस्टमर इन दिस्टम ओके सेकेंड केस सेकेंड केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे नंबर ऑफ सर्वर से ओके okay?

सॉरी मॉडल नंबर फाइव जिसमें हमारे पास एम एम एस एन एफ सी एफ एस जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर्स मल्टीपल है एंड फाइनाइट क्यू है ओके तो उस वहां पे भी हमारे पास सिमिलर मेथड है पीएन के लिए सिर्फ वहां पे एम माइनस एन आपको नहीं मिलेगा ओके बाकी बिल्कुल सिमिलर है एम जो कैपिटल है ये या इस मेथड में एक्स्ट्रा है ओके बाकी सिमिलरली उसी की तरह यहां पे भी करना है हमने नेक्स्ट हमारे पास पी जीरो प्रोबेलिटी दैट द सिस्टम इज आइडल ओके तो जैसे मैंने हमने, हमने वहां पे किया था सिमिलरली हम यहां पे भी करेंगे पी जीरो के लिए सबमिशन लेंगे हम इसकी ओके okay? फिर इसकी यहां पे हमारे पास एन लेस देन एस है तो सबमिशन हमने लिया है एन जीरो से लेके एस माइनस वन तक ये वाला लिखा ओके okay? प्लस ये वाला लिखा हमने यहां पर ओके okay? फिर हमने इसका इनवर्स लिया और पी जीरो से लिखा तो पी इज इक्वल टू ये हमारे पास जो दो टर्म्स है इनका इनवर्स ओके okay? इसी तरह से द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू में क्या आएगा एल क्यू विच इज इक्वल टू एस प्लस वन टू एम कैपिटल एम एन माइनस एस इन टू पी एन ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको एस तक लिखना होगा तो एल एस माइनस एस ओके अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम गिवन है तो आप ये वाला मैथड अप्लाई करोगे क्योंकि यहां से फिर आपको इजी हो जाएगा तो माइनस s, एस हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर्स है प्लस एन गोज टू जीरो टू एस एस माइनस एन इन टू पी एन ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास क्या है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम तो उसके लिए मेरे पास क्या है एल क्यू ओके प्लस इफेक्टिव अराइवल रेट आप जानते हो कि जब भी हमारे पास जो क्यू है वो फाइनाइट होगी दैट इज वेटिंग एरिया फॉर द कस्टमर जब हमारे पास लिमिटेड होता है उस केस में हम अप्लाई करते हैं इफेक्टिव अराइवल रेट ओके तो इफेक्टिव अराइवल रेट का जो मैथड है वो मेरे पास लैमडा इंटू एम माइनस एल एस है ओके okay? बट यहां पे हमारे पास एलएस ही फाइंड करना है तो एल एस कहां से फाइंड करेंगे हम इसलिए ये इसके इक्वल भी होता है तो आप ये वाला अप्लाई करो ओके okay? तो आपके पास एल एस यहां से निकल जाएगा ओके okay? या आप ये वाला मैथड अप्लाई करोगे ये थोड़ा इजी हो जाएगा ओके okay? यहां आपको दो दो चीजें कैलकुलेट uh, करनी है तो ये ईजी है एन गोज टू जीरो टू एस माइनस वन एन पी एन ओके प्लस एन गोज टू एस टू एम एन पी एन ओके ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम नेक्स्ट द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू डब्ल्यू क्यू तो नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू डिवाइडेड बाई इफेक्टिव अराइवल रेट ओके okay. इसी तरह से द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम वेटिंग टाइम इन ए क्यू प्लस वन अपॉन म्यू आर नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम दैट इज एल एस अपॉन इफेक्टिव अराइवल रेट ओके सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं नाउ देयर आर फाइव मशीन्स ईच ऑफ विच व्हेन रनिंग सफर ब्रेकडाउन एट एन एवरेज रेट ऑफ टू पर आवर हमारे पास फाइव मशीन्स है ओके okay? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल एम है वो हमारे पास क्या है फाइव ओके okay? उसके बाद ईच ऑफ विच वेन रनिंग जब हम उनको यूज करते हैं जब वो चलती हैं, तो वो क्या होती है डाउन होती है मीन्स खराब हो जाती है एट एन एवरेज रेट ऑफ टू पर आवर किस रेट से टू पर आवर से इसका मतलब जो हमारे पास अराइवल है वो हमारे पास टू है दैट इज लैमडा इक्वल टू टू मशीन्स पर आवर ओके okay? क्योंकि ये खराब हो रही है खराब होने के बाद ये वर्कशॉप में आएंगी इसलिए हम लैमडा लेंगे टू मशीन पर आवर दियर आर टू सर्विसमैन कितने हमारे पास सर्विस मैन है दो इसका मतलब हमारे पास जो एस है वो टू आएगा एंड ओनली वन मैन कैन वर्क ऑन वन मशीन एट अ टाइम और जो दो सर्विस है उनमें से एक सर्विसमैन एक मशीन पे काम करेगा ओके okay? स आर आउट ऑफ ऑर्डर लेटर सपोज हम करते हैं कि एन मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है मीन्स खराब हो चुकी है वेन एन इज ग्रेटर देन टू एन हमारे पास क्या है ग्रेटर देन टू है उसके एन माइनस टू ऑफ देव टू वेट उसमें से एन माइनस टू मशीन को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा सर्विस मैन का फ्री होने के लिए इसका मतलब यह हुआ अगर सपोज हमारे पास एन मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है एन मशीन हमारे पास वर्कशॉप के अंदर है तो एन हमारे पास ग्रेटर सॉरी ग्रेटर हमारे पास एन क्या है सॉरी टू है वो हमारे पास सर्विस okay? तो मैन है वो एन मशीन में से दो मशीन को ठीक करेंगे ओके okay? इसका मतलब दो मशीन हम एन में से निकाल देंगे एन माइनस टू तो वी हैव टू वेट जो एन माइनस टू मशीन है उनको वेट करना पड़ेगा सर्विस मैन को फ्री होने के लिए ओके okay. इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना है नहीं सिर्फ आपको क्या करना है लैमडा म्यू एम और एस निकालना है ये जो है बाकी ये फालतू क्वेश्चन में लिखा हुआ है वंस अ सर्विस मैन स्टार्ट वर्क ऑन अ मशीन एक बार जब सर्विस मैन स्टार्ट करता है वर्क करना मशीन पे टू कंप्लीट द रिपेयरिंग एक्सपोनेंशियल रिपेयर हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ फाइव मिनट्स और जो हमारे पास जो सर्विस टाइम गिवन है मीन्स जो काम खत्म करता है कंप्लीट करता है वो है फाइव मिनट्स इसका मतलब जो हमारे पास म्यू आएगा वो हमारे पास आएगा वन अपन फाइव मशीन पर मिनट ओके अब हम इसको क्या करते हैं पर आवर में कैलकुल कन्वर्ट uh, करते हैं तो पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं ओके okay? तो ये मेरे पास आएगा ट्वेल्व मशीन पर आवर फ्रेंड्स जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हो आपको ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना है सिर्फ आपको क्या करना है जो आपके पास गिवन कंडीशन है उनको लेना है बाकी ये जो है सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है नाउ मुझे कैलकुलेट क्या करना है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मशीन आउट ऑफ एक्शन एट ए गिवन टाइम अब मुझे क्या करना है फाइंड कि नंबर ऑफ मशीन कितनी मशीन आउट ऑफ एक्शन होगी एट ए गिवन टाइम अब फ्रेंड्स देखिए मुझे फाइंड करना है कि कितनी मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है मीन खराब हो चुकी है ए गिवन टाइम पे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम ओके आउट ऑफ एक्शन क्योंकि जब मशीन आउट ऑफ एक्शन होगी तब वो क्या आएगी वर्कशॉप में ठीक होने के लिए आएगी ओके okay? तो इसका मतलब है जितनी मशीन मेरे पास वर्कशॉप के अंदर होंगी वही आउट ऑफ एक्शन होगी ओके तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मशीन इन द क्यू एंड नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम ओके सबसे पहले पी जीरो कैलकुलेट करता हूं बिकॉज पी जीरो मुझे आगे यूज होने वाला है तो फ्रेंड्स पी जीरो का मैथड क्या होता है ये मेरे पास पी जीरो का मैथड है ओके okay? मैं इनमें वैल्यू पुट करूंगा ठीक तो एन गोज टू जीरो टू एस एस मेरे पास टू है टू माइनस वन इंटू एम एम मेरे पास फाइव फैक्टोरियल अपान एम माइनस एन तो एम मेरे पास फाइव है ओके इंटू एन फैक्टोरियल उसके बाद लामडा म्यू तो अपान्यू यहां से मैंने कैलकुलेट किया है तो वन बाई सिक्स रिस्ट पॉर एन प्लस सबमिशन एन गोज टू एस एस मेरे पास टू है टू कैपिटल एम एम मेरे पास फाइव है ओके इंटू फाइव फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल अपान ठीक एम माइनस एन दैट इज फाइव माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल एन मेरे पास टू है तो टू फैक्टोरियल इंटू टू रिस्ट पर एन माइनस वन इंटू लैमडा लैमडाई सिक्स रिस्टॉर एन होल पावर माइनस वन उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आता है फोर बाय सॉरी सिक्स तो ये हमारे पास आता है P0। तो फ्रेंड्स अब मैं कैलकुलेट करता हूं एवरेज नंबर ऑफ मशीन आउट ऑफ एक्शन एट ए गिवन टाइम तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मशीन इन द क्यू ओके उसके लिए मेरे पास मेथड क्या होता है मेथड मेरे पास ये है ठीक तो एस मेरे पास टू है तो टू प्लस वन रिस्ट फॉर सॉरी गोज टू फाइव इंटू एन माइनस एस एस मेरे पास टू है इंटू पी एन अब मैं वैल्यू पुट करूंगा टू प्लस वन थ्री है ओके तो सबसे पहले मैं थ्री पुट करूंगा मेरे पास आएगा थ्री थ्री माइनस टू वन ओके इसके बाद फोर मेरे पास आएगा टू इंटू पी फोर प्लस थ्री यहां से मैं पुट करूंगा फाइव माइनस टू थ्री ओके इंटू पी फाइव सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा P3 आप फ्रेंड्स यहां से देखिए मुझे कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू थ्री पे ठीक अब n इज इक्वल टू थ्री पे ये वाला हमारे पास आएगा Pn एन बिकॉज हमारे पास जो n है इस वक्त ग्रेटर देन है नंबर ऑफ सर्वर से सॉरी यह नंबर ग्रेटर टू है यहां पे ओके तो थ्री यहां पे मेरे पास एम फैक्टोरियल है देखिए यहां से

मेरे पास आया जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन ओके इसी तरह से मैंने P4 भी कैलकुलेट किया हुआ फ्रेंड्स P4 भी मैंने कैलकुलेट किया उसके बाद मैंने P5 कैलकुलेट किया वैल्यू okay? पुट करूंगा पी थ्री टू इंटू पी फोर थ्री इंटू पी फाइव ओके तो मेरे पास जो LQ है वो यहां से आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर वन टू मशीन ओके इतनी मशीन्स मेरे पास क्या होंगी क्यू में खड़ी होंगी उसके बाद में कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम दैट इज एल एस उसके लिए मेरे पास मैथड क्या है एन गोज टू जीरो एस मेरे पास टू है टू माइनस वन वन एन पी एन प्लस एस मेरे पास टू है और एन कैपिटल मेरे पास फाइव है ओके इंटू एन पी एन यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं जब मैं जीरो पुट करता हूं तो ये खत्म हो जाएगा जीरो फिर मैं वन पुट करता हूं ओके फिर टू यहां से फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव ओके अब मैं इनकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा जैसे कि मैंने प्रीवियस इसमें किया था ठीक P3 इसी तरह से मैं यहां से भी फाइंड करूंगा P1 वन अब फ्रेंड्स पी के लिए मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा P1 के लिए मैं ये वाला अप्लाई करूंगा बिकॉज यहां पे मेरे पास n लेस देन एस है ओके तो P1 के लिए मैंने कैलकुलेट किया फिर पी टू तो पी टू के लिए मैं ये वाला कैलकुलेट लूंगा यह वाला मैथड लूंगा पी टू को कैलकुलेट करूंगा फिर P3 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यहां से ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया P4 भी कैलकुलेट किया और P5 भी कैलकुलेट किया ठीक तो कॉमन मैंने पी जीरो अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया पी जीरो को मैंने बाहर से कॉमन निकाला है ठीक इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा फिर पी जीरो की वैल्यू पुट ही यहां पे ठीक इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया और मेरे पास आया एल एस दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम तो ये थे एवरेज टाइम एंड आउट ऑफ एक्शन मशीन हैज स्पेंड अब मुझे एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है कि जो एक आउट ऑफ एक्शन मीन्स जो कि खराब हुई है मशीन वो स्पेंड करेगी वेटिंग फॉर रिपेयर टू स्टार्ट वो वेट करेगी कि वो कब रिपेयर होगी इसका मतलब यह हुआ कि मुझे वेटिंग टाइम ऑफ द मशीन इन द क्यू निकालना है ओके okay? उसके बाद एंड बीइंग रिपेयर्ड, उसके बाद रिपेयर भी हो जाए इसका मतलब पहले मुझे निकालना है वेटिंग टाइम ऑफ मशीन इन द क्यू उसके बाद मुझे निकालना है वेटिंग टाइम ऑफ द मशीन इन द सिस्टम ओके फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिखा है एवरेज वेटिंग टाइम एंड आउट ऑफ एक्शन मशीन हैज टू स्पेंड

उसके बाद वेटिंग टाइम इन द सिस्टम में कैलकुलेट करूंगा डब्ल्यू एस एल एस अपॉन लैमडा इंटू एम माइनस एल एस यहां पर मैंने वैल्यू पुट की मेरे पास आया जीरो पॉइंट वन जीरो मेरे पास एवरेज वेटिंग टाइम एंड आउट ऑफ मशीन हैज टू स्पेंड वेटिंग फॉर द रिपेयर एंड बी रिपेयर अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग